गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न यूनिट 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पार्ट 2। टुडे वी लर्न नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इनिटियली इट वॉज हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वॉज यूज बाय ऑल। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा वनस्पतियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया। उनके द्वारा की गई वर्गीकरण की विधि का प्रारंभ में सर्वत्र उपयोग किया जाता था। कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम वनस्पतियों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया, ठीक है, और उनके द्वारा की गई वर्गीकरण विधि का प्रारंभ सभी ओर उपयोग किया जाने लगा। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट द प्लांट्स दैट यू सी। विद्यालय के अथवा अपने परिसर अथवा किसी बगीचे में भ्रमण कीजिए। तुम्हें और जो तुम्हें वनस्पतियां दिखाई दे उनकी सूची तैयार कीजिए। एंड लिस्ट द प्लांट दैट यू सी, ड्रॉ देयर पिक्चर एज वेल, और साथ ही साथ उनके चित्र भी आपको खींचने है। ड्रॉ अ टेबल हैज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर। उन वनस्पतियों का प्रेषण करके प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए अनुसार एक स्वतंत्र तालिका बनानी है। डिस्कस इट इन द क्लास। आपको कक्षा में चर्चा भी करनी है, ठीक है। ये आपको एक्टिविटीज दी हुई है, ये आपको स्वयं करना है। हम अभी तो क्लास में है नहीं, लेकिन आपको घर में आपके भाई बहन या फ्रेंड से आपको डिस्कस करना है। आप मोबाइल से भी आपकी फ्रेंड से डिस्कस हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, बगीचे में जाना है या फिर आप आसपास के जो गार्डन है वहाँ जाना है, या फिर कहाँ जाना है आपको, या किसी के घर में अगर बहुत सारे झाड़ होंगे तो वहाँ पर भी जाकर आप इनका निरीक्षण करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ द प्लांट। जो जो आप प्लांट्स देखेंगे उनके नाम लिखेंगे। Where does the plants? Name of the plants. आप plants के नाम देखेंगे, जितने भी देखेंगे आप उनके plants के name लिखेंगे। Where does the plants occur grow? यानी कि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और कहाँ पर ये बड़ी होती है, वृद्धि करती है, कहाँ पर वो अच्छे से वृद्धि होती है उनकी, ऐसे उनके place के आप नाम लिखेंगे, ठीक है। Nature of स्टीम, उसका जो स्टीम है यानी उसका जो तना है वो किस प्रकार का होता है, जैसे सर्क्यूमफेरेंस, कलर, बार्क, हार्ट, शॉक एक्सेट्रा, यानी घेरा उसका, उसका रंग, उसकी जो छाल है, बार्क हम हार्ड यानी कठोर और सॉफ्ट यानी ये इसमें से कौन से पैटर्न वाली उसकी स्टीम है। फिर है हाइट, शॉर्ट, मीडियम, वेरी टॉल एक्सेट्रा, ठीक है, कम है कि मीडियम है कि बहुत है, इसकी हाइट आपको लिखनी है।
ब्रांचेज, ब्रांचेस यानी उसकी डालियाँ, नेचर, नंबर यानी उसका स्वरूप कैसी है, उसकी संख्या कितनी है ब्रांचेस की, वो आपको लिखना है। फिर लीव्स, लीव्स यानी पत्तियाँ, कलर, शेप, एज एक्सेट्रा, उसका जो रंग, उसका जो आकार और उसकी जो कोर होती किनार, वो आपको लिखना है किस प्रकार की है। आपने ये सब हमने क्या सेकेंड लेसन में लगभग पढ़ चुके थे। अब फ्लावर, फ्लावर में कलर, ठीक है, फिर उसका फ्रेग्रेंस, शेप, उसका जो है ना रंग, फिर उसका गंध और उसका आकार, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ द फ्रूट, फिर उसमें कलर, शेप, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है। फ्रूट्स देने फल देखेंगे, उसका रंग, आकार, उसका कठोरनेस, नरम, ये सब देखेंगे। फिर है यूजेस, विच पार्ट इज यूज, फिर जो आप प्लांट देखेंगे उसका यूज काय काय में करते हैं, जैसे उसके स्टिंग का यूज, फ्लावर का यूज, लीफ का यूज, ब्रांचेस का यूज, हम के फ्रूट का यूज काय में करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज है। आपको एक आपकी फेयर कॉपी में या फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाएंगे जिसमें आप पूरी एक्टिविटी करते जाएंगे, इसको आपको करना है। अगर कोरोना के कारण आप आस पड़ोस के इसमें जा नहीं सकते हैं तो आप नेट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसके आगे हम देखेंगे वनस्पतियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों का वर्गीकरण। वी कैन इजीली नोटिस द डिफरेंस इन द शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग, आसपास की जो वनस्पतियां हैं उनके आकार तथा ऊंचाई में होने वाले अंतर को हमें दिखाई देते हैं। इट इज इजी टू क्लासिफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, हम अपने निरीक्षण क्षमता के आधार पर हम वनस्पतियों का सहजता से वर्गीकरण कर सकते हैं। आप अब ये आकृति देखिए, ठीक है, इस आकृति में आपको ये बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, हम उनकी जो हाइट, उनकी जो चौड़ाई, उनकी जो पत्ती, उनकी ब्रांचेस, ठीक है, ये देखो आप इतने सारे, इन सबको देखकर ही हम इनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग इसमें क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। दिख रहा आपको इनमें जो दिख रहा है, शेप, हाइट, ठीक है, उनकी स्टिंग, उनकी लीफ, इन आधार पर हम इनको बता सकते हैं ये किसके किसके प्लांट्स है और इनमें क्या स्पेशल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन अ मैंगो, अ बेनियन एंड अ टेमरिंड टी, ठीक है, यहाँ पे बताया है कि मैंगो, बेनियन, बेनियन एंड टेमरिंड इन ट्रीज में क्या समानता है, यानी आम, बरगद और इमली, ये तीनों पेड़ में क्या समानता है, आप बता सकते कि क्या समानता है तीनों वृक्षों में। आपने आम का पेड़ देखा है, ठीक है, बरगद का पेड़ देखा है और इमली का भी पेड़ देखा है, तीनों में क्या है समानता, आप बता सकते क्या। बिल्कुल, ये तीनों जो प्लांट्स है, ठीक, जो प्लांट्स नहीं बोलेंगे हम लोग, ये तो ट्री है, बहुत
हाइट वाले होते हैं। और क्या देखते हैं हम इनमें, इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। और क्या देखते हैं हम लोग, इनमें फ्रूट्स लगते हैं। उनका जो तना होता है, स्टीम होती है, वो बहुत घेरदार होती है, ठीक है। उनकी जो रूट्स है वो बहुत नीचे नीचे तक जाती है, बहुत दूर दूर तक फैले रहती है। और क्या देखते हैं इनकी, ये बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत सालों तक ये टिके रहते हैं और घेरदार होते हैं। इनकी छाया ठंडी होती है। और क्या देखते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, है ना। इस समानता तीनों में दिखाई देती है, ठीक है। और आगे हम और कुछ हम देखेंगे। ट्रीज, सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ वनस्पतियां अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है। देयर स्टीम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उनकी ये जो स्ट्रीम होती है, ये ट्रंक जो होता है, वो बहुत हार्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनके तने ठोस तथा मजबूत होते हैं। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबाउट द ग्राउंड, इसमें जमीन से कुछ ऊंचाई पर डालियां निकलती है। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर, इनमें कई वर्षों तक फूल और फल आते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसी वनस्पतियों को वृक्ष कहते हैं। दे आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल आई, यानी ये क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत आकार में बहुत बड़े होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। पेरेनियल यानी बहुत सालों तक ये टिकते हैं, रहते हैं। दे लाई फॉर मेनी ईयर, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। आपने ट्रीज देखे हैं, जितने भी ये बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे तीन नाम बताया है, ये मैंगो, बेनियन एंड टेमेरिंग, ये तीनों ट्रीज है। और इनमें ये स्पेशलाइज्ड यानी यह विशेषता इनमें दिखाई देती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वॉट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलेंडर एंड लंटाना प्लांट्स। हिबिस्कस यानी गुड़हल, ओलेंडर यानी कनेर एंड लाटाना यानी झरबेल प्लांट्स, ठीक है। ये तीनों प्लांट जो प्लांट्स है, इनमें क्या समानता दिखती है। आपने गुड़हल का पेड़ देखे हैं, उसकी जो है जमीन से नाजुक तना होता है, लंबा लंबा होता है, लेकिन वो हाथ पुक जाता है हमारा, ठीक है। फिर है ओलेंडर यानी कनेर, ठीक है, और लना टना यानी झरबरे, ठीक है। ये इस प्रकार के यहाँ पे जो पिक्चर दिया है, इसके समान होते हैं। श्रब, ठीक है, यानी झाड़ी। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ वनस्पति जमीन के समीप ही बढ़ती है। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के समीप ही उनकी अनेक डालियां निकलती है। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज, यानी इसकी जो, दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्री, यानी जो झाड़ होते हैं, वृक्ष है ना, जो बड़े बड़े अपन ने देखे थे, वृक्षों की तुलना में इनकी ऊंचाई और आकार बहुत छोटा होता है। बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टीम, लेकिन उसके जो तने हैं कैसे होते हैं,
पतले होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन मजबूत होते हैं। द ओलेंडर, हिबिस्किस, लांटना, कोरांटी एंड रोज आर श्रब व्हाट मे ग्रो अप टू 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 3 मीटर्स। कनेर, ठीक है, ओलेंडर, हिबिस्किस, गुड़हल, झबरेल, कटसरैया, कोरांटी यानी कटसरैया एंड रोज यानी गुलाब, आश्रम, ये सब क्या है, झाड़िया है, ठीक है। डेट में ग्रो अप टू 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 3 मीटर्स, ये 2 से 3 मीटर उनकी ऊंचाई होती है। जब आप आस पड़ोस आस तरफ नजर दौड़ाएंगे, आपको दिखेगा लेमन का झाड़, इवन ऑरेंज का झाड़, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, ये सब जो है, ये भी श्रब में इनका समावेश होता है, ठीक है। नींबू, आपने देखा नींबू का पेड़, ठीक है, अनार का पेड़, इवन जाम का जो पेड़ है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये दिखा है आपने अनार का पेड़, ये भी श्रब के समान ही दिखाई देता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द फेनुग्रीक पेरिविंकल प्लांट्स। फेनुग्रीक यानी मेथी और पेरिविंकल यानी सदाबहार, इन दोनों में क्या समानता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्या समानता है। हर्ब्स, हर्ब्स यानी पौधा, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर्स टॉल। ये जो पौधे होते हैं वो 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं, इनकी ऊंचाई होती है। द स्टीम ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सीबल हैज कंपेयर्ड कंपेयर टू दोज ऑफ टी एंड बुशेस। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पौधे के तने और वृक्षों तथा झाड़ियों की तुलना में, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं इनके तने वृक्ष और झाड़ियों की तुलना में बहुत लचीले होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। हर्ब्स में लाइव फॉर अ फ्यू मंथ और अप टू 2 ईयर्स। ये जो पौधे होते हैं वो कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं या कम से कम 2 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि तने के आकार तथा ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के 3 प्रकार होते हैं, वृक्ष, झाड़ी और पौधा। ठीक है, अभी हमने 3 प्रकार के देखे हैं, ट्रीज जो बहुत बड़े होते हैं, श्रब जो मीडियम होते हैं, ठीक है, और हर्ब यानी बहुत छोटे होते हैं। हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेल रोड क्रीपर, कावाली, वाटरमेलन और ग्रेपवाइन? हाउ डू यू ग्रो दे ग्रो? तुमने कभी कुमड़ा देखा है क्या, या तरबूज, नीली बेल, काली बेल तथा अंगूर? देखे ना आपने, आपने ये जो लताएं देखे, या फिर हम लोगों ने करेले की बेल देखी होंगी, है ना, बेल देखी ना आपने, अंगूर की, पम्पकिन की, कुमड़ा, तरबूज, नीली बेल, काली बेल, है ना, अंगूर की लताएं देखी होंगी ना आपने, बेल बेल जिसको बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा ये जो बेल होती है, इवन कुंदरू, कुंदरू का नाम सुना है ना आपने, सब्जी जो होती है,
इनकी जो क्या होती है, बेल होती है। आपने ये देखा होगा, ये जो बेल है ना, इसको बोलते हैं क्रीपर। ये जो क्रीपर है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती है, किसी के सहारे ऊपर 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 चढ़ जाती है। देखा ना आपने, चाहे दीवार मिले वो या कंपाउंड मिल गया या लकड़ी, इसके सहारे वो क्या करती है, ग्रोथ करती है और सपोर्ट की सहायता से वह छत तक पहुंचती है। अधिक जानकारी हम देखेंगे। वाइन्स, सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोविंग व्हाइल सम अदर स्प्रीड ऑन द ग्राउंड। कुछ लताएं बढ़ने के लिए आधार की सहायता लेती है, तो कुछ लताएं जमीन पर फैलती है। अब ये जो है सपोर्ट, दीवार की सपोर्ट या ऐसा करके ऊपर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो थोड़ी हल्की होती है। लेकिन कुछ वन क्या बेल जो होती है क्रीपर, वो जमीन में फैलती है। क्यों फैलती है पता है आपको, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स है वो क्या होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, इसलिए वह जमीन में ही फैलती है। जैसे आपने देखा होगा पम्पकिन है ना, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी है, तो ये इसकी बेल तो टूटी जाएंगी है ना, इसलिए वो जमीन में ही फैलती है। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। हैव यू सीन द क्यूकम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग। आपने देखा होगा मनी प्लांट का झाड़, आपने देखा होगा आपके घर में, लगभग मनी प्लांट सभी के घरों में मिलता है। इनकी जो जड़ें होती है वो हवा में होती है, ठीक है, ये जमीन में नहीं हवाओं में ही रहती है, और ये लताएं ऊपर ऊपर बढ़ते जाती है। उसी प्रकार ककड़ी की लता में क्या होते हैं, कमानी जैसे धागे होते हैं, ऐसे 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 स्प्रिंग के समान धागे होते हैं। ऑफ वॉट यूज कुल दे बी। आपको पता है इनका उपयोग होता है करके, आप इन लताओं को टच द स्टीम ऑन एनी वेन्स, व्हाट डू यू फील। आप इन लताओं को छुओ तो आप उन्हें कैसा महसूस करेंगे, आप बताएंगे, ठीक है। आप देखो, ये देखो, देखो ये दिख रहा ना, ये देखो स्प्रिंग के समान, इनमें स्प्रिंग के समान ऐसे निकलती है। वो स्प्रिंग को आपको मालूम है उसका यूज क्या करते हैं, इस स्प्रिंग से क्या करते हैं, ये आधार को, आधार के लिए होती है ये, ठीक है, ये दीवालों में लकड़ियों में ऐसे स्प्रिंग टाइप ये गुल 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 हो जाता है, और उसकी सहायता से वो देखो अपने आप ये ऊपर बढ़ती है। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। इट ग्रोस रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट, ऑफ अ सपोर्ट यानी लताओं के तने बहुत ही लचीले और मुलायम तथा हरे होते हैं। यही कारण है कि आधार की सहायता से इनकी वृद्धि होती है। देखो कैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये देखो ग्रेप्स की, ये पंपकिन दिख रहा है आपको, ये देखो मनी प्लांट, ठीक है, और फ्लावर, कुछ कुछ फ्लावर्स की भी जो होती है जो इस प्रकार ग्रोथ होती है। फॉर हाउ मेनी इयर्स, लाइक बाजरा, व्हीट, क्रॉन, रेडिश, मैरीगोल्ड, लाइव। आपने देखा होगा खेत में बाजरा, गेहूँ, मक्का की फसलें देखी आपने, फिर है मूली, गेंदा, ये जैसी वनस्पतियां है वो कितने वर्ष तक जीती आपको पता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक जवार, सनफ्लावर इज कंप्लीट इन वन ईयर।
कुछ वनस्पतियाँ, कुछ जो ये होते हैं क्या बोलेंगे अपना, अपने पौधे देखे थे ना हर्ब्स, इनकी ये जो छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं, ज्वार, सनफ्लावर, ये लगभग 1 ईयर ही इनकी लाइफ होती है। ठीक है, यानी 1 वर्षीय होते हैं। ज्वार और सूर्यमुखी याद रखेंगे बिल्कुल नाम, इनका जो जीवन चक्र है वो सिर्फ 1 साल का होता है। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल्स, यानी इनको 1 वर्षीय वनस्पति कहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरोट, बीटरूट इज ऑफ 2 ईयर्स। फिर आपने देखा होगा गाजर और चुकंदर जैसी वनस्पतियों का जीवन काल पूर्ण होने में 2 वर्ष लगते हैं। आपने अभी देख लिया एनुअल और 2 ईयर्स का, दे आर कॉल्ड बेनियल्स, इन द्विवर्षीय वनस्पति कहते हैं, यानी एनुअल बिनियल बेनियल हो गया। ठीक है, श्रब लाइक्स द हिबिस्कस एंड ओलेंडर एंड ट्रीज लाइक मैंगो एंड गुलमोहर यूज फॉर सर्वाइवल ईयर्स। कुछ श्रब जैसे हिबिस्कस और ओलेंडर, ठीक है, यानी गुड़हल और कनेर, ये जैसे झाड़ियाँ, उसी प्रकार ट्री लाइक्स मैंगो यानी आम जैसे वृक्ष एंड गुलमोहर जैसे वृक्ष लाइफ फॉर सर्वाइवर योर एंड बियर फ्लावर्स एंड फूल, ये कई साल तक जीवित रहते हैं और इनमें कई वर्ष फल फूल आते हैं। दे आर कॉल्ड पेरेनियल यानी बहुवर्षीय कहलाते। अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासिफाइड हैज एनुअल बेनियल्स एंड पेरेनियल्स। समय के अनुसार यानी जीवन क्रम की कालावधि के आधार पर वनस्पतियों का 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में वर्गीकरण किया गया है। पहले इसमें हमने क्या देखे थे, उनकी जो रचना है ना, उनके जो तने हैं, उनके आकार, उनकी ऊंचाई के अनुसार हमने वनस्पतियों के 3 प्रकार देखे थे, जैसे वृक्ष, झाड़ी और पौधा यानी ट्रीज, श्रब और हर्ब, ऐसे 3 टाइप ऑफ प्लांट्स देखे थे। अब हमने देखा उनकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उनके पीरियड के अनुसार जो लाइफ साइकिल है, पीरियड्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उसके आधार पर उसके 3 प्रकार हैं, एनुअल्स, बेनियल्स एंड पेरेनियल्स। ठीक है, ऐसे हमने क्लासिफिकेशन देखा है। आगे का भाग हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।